हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ स्नैक्स में ये मसूर दाल और प्याज के पकौड़े। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए मैंने स्प्रिंग ओनियन भी लिया है। तो ये मैं बारीक में काट रही हूँ प्याज। इस तरह से मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। सारे प्याज को मैंने काट लिया है और साथ ही स्प्रिंग ओनियन को भी मैं बारीक काट लूँगी। वाइट वाले हिस्से को काट के अलग रख दूँगी। पहले मैं ग्रीन वाले पार्ट्स को मैं काट ले रही हूँ छोटे छोटे पीसों में। इसके पकौड़े प्याज के साथ बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, और ख़ास तौर से शाम में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वाइट वाले पार्ट्स को भी मैंने काट लिया है। इसी के साथ मैं हरी मिर्च को भी बारीक काट ले रही हूँ। बीच से चीरा लगाकर मैं हरी मिर्च को काट ले रही हूँ और धनिया पत्ती को भी मैंने काट लिया है बारीक। अब चलिए चलते हैं ग्राइंडर जार में ये मैं कुछ मसाले पीसने। धनिया लिया है मैंने, जीरा लिया है, काली मिर्च के दाने लिए हैं, दो हरी मिर्च लिया है, अदरक और ढेर सारा लहसुन। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसमें। और इसे मैं बिना पानी से ही इस तरह से दरदरा पीस लेना है। आप इसे खलबट्टे में कूट भी सकते हैं। कूटने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये टेस्टी बनते हैं। तो इस मसाले को मैं एक कटोरी में मैं निकाल ले रही हूँ। मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं और अब क्या करना है कि मसूर दाल को मैं 2 घंटे पहले पानी में भीगने दिया था। ये अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसे मैं ग्राइंडर में डालकर पीस लूँगी। मैं दरदरा ही पीसना है और कुछ मसूर दाल मैं इस कटोरी में ही रहने दूँगी, इसका यूज़ मैं बाद में करूँगी। तो इसे दरदरा पीस लेना है। देखिए इस तरह से पीस लिया है और इसे एक बड़े से बॉल में मैं निकाल लेती हूँ। सारी दाल को मैंने निकाल लिया है और इस ढक्कन में जो लगा था उसे भी मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद ये जो मसाला दरदरा पिसा हुआ था उसमें मैंने सारे मसूर दाल में मैंने डाल दिया है। और इसी के साथ जितनी भी सब्जियां कटी हुई हैं, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और स्प्रिंग ऑनियन, सबको इसमें डाल देना है और डालकर अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लेना है। और साथ ही जो मसूर दाल मैंने बचाए थे वो इसमें एक मुट्ठी के करीब डाल देना है। और साथ ही मैंने ये चिली फ्लेक्स भी डाला है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और स्वाद के अनुसार मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मैश कर लेना है। देखिए इसे मैं हाथों से अच्छी तरह से मैश कर ले रही हूँ। और तब तक इधर मैं गैस ऑन करके एक कढ़ाई मैंने रख दिया है और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। इसमें सरसों के तेल में पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप चाहें तो दूसरे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैं पतले पतले छोटे से चिपटे आकार के मैंने पकौड़े का साइज़ बनाया है। इस तरह से पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं और काफ़ी क्रिस्पी लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद इसे पलटिए, तुरंत डालकर नहीं पलटना है। देखिए इस तरह से मैं पलट ले रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे ही इसे बनाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रहेंगे। एक साइड मैंने चाय रख दिया था। देखिए ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं। इसी तरह से दूसरी बार भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हाथ में पतले पतले आकार के चिपटे पकौड़े मैं इस तरह से कढ़ाई में डाल के फिर से मैंने तल लिया है। देखिए दूसरी तरफ भी मेरी चाय भी तैयार है, बनके तैयार हो गई है। और ये लगभग पकौड़े भी बनके तैयार हैं।
ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और चटपटे लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ, देखिए। और चलिए अब चलते हैं सर्व करने। मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये चाय भी मैंने छान लिया है, देखिए। ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।